दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सीख रहे हो या फिर आप किसी कंपनी की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहे हो, तो जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर में लेज़र क्रिएट करते हैं, हम लेज़र का नाम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और उसके बाद जब बारी आती है उस लेज़र का ग्रुप सिलेक्शन को लेके, तो हमारे सामने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लिस्ट ऑफ ग्रुप का ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो उसमें आपने देखा होगा भी एक टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ग्रुप आता है रिजर्व एंड सरप्लस का। तो दोस्तों जैसे हमने रिजर्व एंड सरप्लस का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ साथ एक दूसरा इसका जो ग्रुप है जिसे हम बोल सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये ग्रुप भी हाईलाइट हो जाता है। तो दोस्तों इन दोनों ग्रुप का यूज प्रैक्टिकल तरीके से कंपनियां कैसे यूज करती है और इस ग्रुप का यूज कैसे किया जाता है, तो ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो का पूरा कंप्लीट जरूर देखना, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुतार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के बारे में। तो हम टैली सॉफ्टवेयर में इस ग्रुप को एक बार हम ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम एल्टर पे जाएंगे और ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम रिजर्व एंड सरप्लस को सिलेक्ट करते हैं। तो आपने देखा जैसे ही हमने यहाँ पर टाइप किया RE यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, तो हमारे सामने ये दो ग्रुप हाईलाइट हो गए रिजर्व एंड सरप्लस का। तो उसके बाद में दोस्तों ये दोनों ग्रुप का मतलब क्या है, तो इन दोनों ग्रुप का जो मतलब है वो देखा जाए तो एक ही है। हम दोनों में से किसी एक ग्रुप को ओपन करते हैं तो आप देखा जैसे ही हमने इसका जो मेन ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जो ऑलरेडी बना होता है टैली सॉफ्टवेयर में और उसके एलएलए नेम में भी रिटेन अर्निंग्स का नाम दिया हुआ है, यानी कि इसका उपनाम दिया हुआ है। अगर दोनों ग्रुप की बात करें तो इनका जो प्राइमरी ग्रुप है वो कैपिटल अकाउंट ही होता है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस का वो एक तरीके का कैपिटल ग्रुप का ही पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस का यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वैसे तो आपको रिजर्व शब्द सुन के अपने आप में आइडिया आ जाता है भी रिजर्व का मतलब क्या होता है। भी रिजर्व मतलब कोई भी चीज़ को बचा के रखना, रिटेन का मतलब भी पहले से करी हुई कमाई को बचा के रखना, सरप्लस का मतलब आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा हो, तो वो भी एक तरीके का कैपिटल अकाउंट का पार्ट आता है। तो दोस्तों अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो अब यूज़ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चलते हैं, आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करते हैं, एल्ट एफ वन के साथ डिटेल ओपन कर ली। तो दोस्तों आपने देखा इस कंपनी में हमने कुछ ट्रांजेक्शन कर रखी है और उस ट्रांजेक्शन के बिहेव पर हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 23,725 रुपये और 90 पैसे का। तो दोस्तों वैसे तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस का जो ग्रुप है वो जो पार्टनरशिप की जो फर्म होती है यानी कि जहाँ पे दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा का अगर कोई पार्टनर होते हैं तो वहाँ पर इस ग्रुप का ज़्यादा यूज किया जाता है। वैसे सिंगल प्रोप्राइटर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेट प्रॉफिट का मतलब भी आपने इस कंपनी में पूरे साल के अंदर परचेज किया, सेल किया, खर्चे किए, इनकम हुई, सब कुछ करने के बाद में आपकी कंपनी को 23,725 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये आपकी बचत हुई है इस कंपनी में। तो दोस्तों इसके बाद क्या आता है भी अब कई जो दुकान के प्रोपराइटर होते हैं यानी कि जो दुकान के मालिक होते हैं वो ये सोचते हैं भी मेरे को 23,725 रुपये पूरा का पूरा पैसा मेरे को नहीं निकालना है, इसमें से कुछ पैसा मैं मेरी कंपनी के लिए, मैं मेरी दुकान के लिए अलग से स्पेयर में रखना चाहता हूँ, यानी कि अलग से इसका रिजर्व करना चाहता हूँ भी कल को मेरी कंपनी को अगर कोई लॉस होता है, कोई नुकसान हो जाता है तो मैं वहाँ से जो रिजर्व के अंदर जो पैसा मेरे पास बचा हुआ है वो मैं मेरी वापस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो दोस्तों इसका सिंपल एग्जांपल हम लें, जैसा कि हमारे छोटे बच्चों के पास जो कॉइन स्टोर होता है जिसको हम गुल्लक बोल सकते हैं। अब जैसा कि आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपकी जेब के अंदर 5,000 रुपये की पेमेंट आपके पास है, आप ये सोच रहे हो यार मैं पूरे 5,000 रुपये अगर मैं मेरे पास रखूँगा तो हो सकता है मेरे से सारे के सारे खर्च हो जाएँ, तो मैं इसमें से 3,000 रुपये पर्सनली मेरे गुल्लक में रख देता हूँ, मैं मेरे खर्चे के लिए एक बार 2,000 रुपये रख लेता हूँ, ये 3,000 रुपये मैं मेरी सेविंग कर लेता हूँ एक्स्ट्रा,
कभी मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं उस गुल्लक में से निकाल लूंगा। तो सेम प्रोसेस आपका रिजर्व एंड सरप्लस के साथ होने वाला है। तो दोस्तों वैसे तो हम क्या करते हैं, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये हमारे कैपिटल अकाउंट में हम ईयर एंड पे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हम बैलेंस शीट पे जाते हैं तो आपने देखा अभी हमने कैपिटल अकाउंट ने 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है और साल में 23,725 रुपये और 90 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल पूंजी कितनी होगी, 1,23,725 रुपये और 90 पैसे की, यानी कि 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और 23,725 रुपये पूरे साल में कमा लिया। तो अब बिजनेस में जो टोटल कैपिटल जा रही है वो 1,23,000 की होगी। तो अब दोस्तों इसमें क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट एक अलग पार्ट है और कंपनी जो आपकी दुकान है, जो आपकी कंपनी है या आपकी जो फर्म है जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो एक अलग पार्ट है। जैसा कि अब हमारी जो कंपनी है वो MS Enterprises के नाम से रजिस्टर्ड है और इसमें प्रोपराइटर कौन है, मोहन सुथार। तो दोनों ये अलग अलग पार्ट है, मोहन सुथार पैसे लगाने वाला है और MS Enterprises कंपनी है, यानी कि मोहन सुथार ने MS Enterprises को 1,00,000 रुपये का स्टार्टिंग में पेमेंट दी थी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अब ये MS Enterprises के लिए लायबिलिटी बन गई, यानी कि ये MS Enterprises की अब एक जिम्मेवारी बन गई कि मोहन सुथार को 1,00,000 रुपये का भुगतान करना है। तो एक तरीके का लायबिलिटी जाएगी, जबकि मोहन सुथार खुद मालिक है, ये दोनों अलग पार्ट है। अब मोहन सुथार ने पूरा साल में मेहनत किया और 23,725 रुपये के पूरा प्रॉफिट लिया, तो अब टोटल प्रॉफिट हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अब प्रोपराइटर ये चाहता है, दुकान का मालिक ये चाहता है भी मेरे को पूरा का पूरा पैसा मेरी कैपिटल में ऐड नहीं करना है, यानी कि इस 1,00,000 रुपये में ऐड नहीं करना है, मेरे को इसमें से 15,000 रुपये ही ऐड करना है, बाकी मेरे को सरप्लस अलग से रखना है। तो इसकी हम एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपको 15,000 रुपये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, उसकी रिवर्स एंट्री हम करते हैं और इसके लिए आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 रुपये हमें कैपिटल अकाउंट में लेके जाने हैं। तो कैपिटल अकाउंट मोहन सुथार के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैपिटल नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, और सेव करेंगे। अब हम एक बार इसका इफेक्ट देखेंगे, बैलेंस शीट पे जाएगा वापस। तो अभी बैलेंस शीट में आप देख रहे हो इसका जो बैलेंस शीट पे इफेक्ट है, 23,725 में से 15,000 रुपये आपने ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन अभी भी 8,725 रुपये 90 पैसे का प्रॉफिट बकाया पड़ा है। तो आप इसको अपने कैपिटल बढ़ाने की बजाय आप इसको अलग से खाता में दिखाना चाहते हो, रिवर्स मतलब रिजर्व के लिए। तो इसकी एंट्री हम एक अलग हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारी भी, या जनरल रिजर्व, और ये रहेगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में। तो आप देख सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस भी एक तरीके का कैपिटल अकाउंट ही है। कैपिटल अकाउंट एक तरीके इसका मेन अकाउंट हो गया और रिजर्व एंड सरप्लस का जो ग्रुप है वो इसका सब ग्रुप की कैटेगरी में आता है। तो हम इसको ओके करेंगे और उसके बाद में वापस जो डिफरेंस बच गया हमारा प्रॉफिट में से वो सारा का सारा हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हमारे पास जो लेज़र हमने क्रिएट किए, नेट प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और आपका जो डिफरेंस बच गया 8,725 रुपये 90 पैसे का डेबिट करेंगे। और उसके बाद में अभी जो हमने लेज़र क्रिएट किया था जर्नल रिजर्व के नाम से उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसका इफेक्ट हम जाके देखेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अब आपको इस कैपिटल बैलेंस के अलावा आपको अलग से पेमेंट यहाँ पे शो हो रही है भी, ये आपने अपनी कंपनी के लिए अलग से रिजर्व किया हुआ है। हालांकि इफेक्ट आपका सारा का सारा कैपिटल पे ही है, पैसा अभी भी आपका ही है। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि आपके पास 5,000 रुपये है अपने पर्सनली यूज के लिए, 2,000 रुपये अपने जेब में रख लिए, बाकी 3,000 रुपये आपने अपने गुल्लक में रख दिए। तो पैसा अभी भी 5,000 आपके पास ही है, किसी दूसरे के पास तो गया नहीं है वो, लेकिन वो आपने 3,000 रुपये अपने किसी मुसीबत के लिए बचा के रखे, भी कल को कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आप उसमें से वो 3,000 रुपये निकाल लोगे। तो पूंजी आपकी अभी भी 5,000 रुपये है, 3,000 रुपये गुल्लक में पड़े हैं, 2,000 रुपये आपके जेब में पड़े हैं, तो भी आपके पास 5,000 ही हैं। तो ये सेम कहानी यहाँ पर भी लागू हो रही है, आपकी पूंजी अभी भी 1,23,725 ही है, लेकिन आपने अपनी बैलेंस शीट में इसको अलग से दिखाया हुआ है, 8,725 रुपये 90 पैसे ही आपने ये अलग से रिजर्व करके रखे हुए हैं आपकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के बुरे वक्त के लिए, भी कल को दिक्कत आती है तो आप इस पैसे को
यूज कर सकते हो। करने में तो आप अपन का जो नेट प्रॉफिट आपका हुआ है, आपकी जो कैपिटल लगी भी है, उसको भी आप यूज करोगे, लेकिन हम बैलेंस शीट में इसको अलग से, हमने इसको अलग से शो किया हुआ है। तो दोस्तों ऐसा पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ज्यादा होता है और बहुत ही कम ऐसी कंपनियां होती है जो इस टाइप की एंट्री को यूज करती है, रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप को यूज करती है। तो दोस्तों आई होप कि इस ग्रुप का आपको मीनिंग पता लग गया होगा। आपको एंट्री आपको करके देखनी है, लेकिन इसका विशेषकर कुछ छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी में बहुत ही कम इसका यूज होता है, लेकिन अगर टेली सॉफ्टवेयर ने इसका ग्रुप क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी, तो हमें इस ग्रुप के बारे में पता भी होना जरूरी है। तो दोस्तों आई होप कि आज के वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।